मैं चर्चाएं कर रहा था कि उन्हें खेलना पड़ेगा। क्यों चर्चा करते हो आप? क्यों? वो एलिमिनेट हो गए और साथ ही साथ XXUDA, क्या उनका भी एलिमिनेशन होगा क्योंकि मैक 9 यहाँ मौजूद है और शायद बाकी जो 3 खिलाड़ी थे वो एलिमिनेट हुए। जी नहीं, एक और खिलाड़ी उनका बचा रहेगा और मैप शायद वो ज्यादा देर तक ना बच पाए। क्यों किया आपने ऐसा टीम फॉरएवर के साथ मेजी? बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे यूडो की बात कीजिए, डेस्परेशन तो इनके लिए बिकॉज बात बहुत ज्यादा है, इनको भी क्वालिफाई करना है और लड़ाई करनी पड़ेगी XOXUDA। उनका भी दिन इतना कुछ खास गए नहीं थे पिछले कुछ, बट अब एक आखिरी दिन, एक आखिरी मौका, 3 आखिरी मैचेस, एंड जो करना है एनवी को ही करना है क्योंकि पहले मैच में उनके बाकी खिलाड़ी तो बाहर हो चुके हैं। वेस्ट भी नहीं है, कितना ही कर पाएंगे देखना ये है कि अब कितने सारे हेड कनेक्शंस जो एनवी अपने अपोनेंट पे डील कर पाए। बट एक और टीम का आगमन होता हुआ, टीम TWO भी देखना ये है कि यूडॉग उनके लिए तैयार है फिर, बट इस बीच XOXUDA एनवी को मौका मिल जाएगा, या वो निकल सकते हैं या फिर या वो होल्ड करें, थर्ड पार्टी के लिए वेट करें, जो खिलाड़ी नॉक हो उनको फिनिश किया जाए, एक्स्ट्रा जो फ्रैग अपनी टीम को दिला सकते हैं, स्टोरर को स्पॉट किया जा सकता है। दानव TWOB जिनका आगमन हुआ वो यहाँ पे अपना खिलाड़ी खोते हुए, गॉड साइड डाउन, पिस्टन डाउन, स्टोनर वो भी समाप्त, यू डॉग देखते ही देखते उनका एलिमिनेशन, TWOB एक खिलाड़ी खोया बट 3 फ्रैग उनके पास रहेंगे। बट एनवी अभी भी इस मैदान में, उन्होंने फ्लैश को देख लिया, डाउन किए जाएंगे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश, और ये कोशिश थी कि जो एक एक्स्ट्रा फ्रैग है वो अपनी टीम के लिए निकाला जाए, बट मात्र नाकामयाबी फिलहाल के लिए उनके हाथ। क्या से क्या हो गया यहाँ पे, हम 3 टीमों को देख रहे हैं जो क्वालिफाई होने के लिए जूझ रहे हैं और तीनों लड़ते हुए अभी तो उतरे हैं मैदान में और आते ही बस लड़ाई चल रही है, बट एनवी अभी तक बचे हुए, प्लेयर को रिवाइव यहाँ पे कर नहीं पाए। एनवी को एक फिनिश मिल गया जो उनको चाहिए था, एक एक करके वो यहाँ पे पॉइंट्स एकत्रित करते हुए, बट क्या एनवी कुछ मैजिक कर पाएंगे? सामने से प्लेयर आए जरूर हैं, एरो ने शॉट दिया, एनवी नीचे कूदेंगे, क्या वो बच सकते हैं? एचपी उनके पास बची नहीं है, बट फिर भी बाहर आए, रीलोड पे गए, गन स्विच किए, एक और नॉक, एक और फिनिश की तलाश में, ले गए एक और को, ले डूबे जाते जाते TWOB आए तो थे बड़े जोश में बट अब होश गंवा चुके हैं। गॉड्स रेन की शुरुआत से वो दिल में ना एक खलल सी थी, यार गॉड्स रेन इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, जो टीम आ रही है वो उनका नाम ले रही है, वो अभी तक चिकन डिनर निकाल पाए, ये मुकाबला वो हो जरूर सकता है लेकिन मिडवेव उनके ड्रीम्स को अभी के लिए तो थोड़ा रोकते हुए नजर आएंगे। एक बढ़िया शॉट वहां पर गया जरूर से जोकर के द्वारा, साइफर डाउन, ये ग्रेनेड अच्छी तरीके से कुक किया है और शायद ये कनेक्ट हो भी सकता है, चलिए थोड़ा आगे वो जाएगा जरूर से, बट मिडवेव वर्सेस गॉड्स रेन ये एक 4v3 का महा मुकाबला बेहतरीन। बट जोकर एक और ग्रेनेड गया, डैगर को वहां पे डाउन किया गया, शायद ये वाला ग्रेनेड वापस ठिकाने पे गिरेगा और एक और खिलाड़ी डाउन किया जा सकता था, ठिकाने पे था, डैगर समाप्त हो सकते थे, साइफर बड़े आसानी से रिवाइव कर दिए गए कोबरा के द्वारा, बट ये ग्रेनेड अगर अंदर थ्रो किया होता उन्होंने चीजें बदल सकती थी, बट स्मोक ओपी उनका ग्रेनेड गया, साइफर वापस डाउन, डैगर वो भी डाउन है, एक और ग्रेनेड आया, साइफर समाप्त, कोबरा हिटमैन मात्र 2 खिलाड़ी टीम गॉड्स रेन की तरफ से, ऋषि एचपी बहुत कम, एक और मॉली आता हुआ हिटमैन उस मॉली के अंदर और पूरा भार अब कोबरा के ऊपर, देखते हैं कि क्या वो कुछ कर पाएंगे क्योंकि M249 उनके पास मौजूद रहने वाली, स्पॉट किया एक प्लेयर को लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी उनके ऊपर आ चुका है, सामने से एक और प्लेयर आएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी मिडवेव अपनी सुनामी लेकर के आए हैं जहां पर गॉड्स रेन को वो निस्तेनाबूद करते हुए नजर आएंगे, मात्र एक खिलाड़ी हिटमैन है उनका नाम, देखते हैं कि क्या वो ये 1v3 क्लच करके जा पाएंगे। 11 फिनिशेस ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टीम गॉड्स रेन के पास, बट मिडवेव की अभी भी स्मोक ओपी ऊपर की तरफ ही मौजूद है, हिटमैन की बात करें उनके आसपास वो जो पॉइजन स्मोक है वो भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं, रिवाइवल का कुछ खास यहाँ पर मौका बचता नहीं बट फिर भी कोशिश जरूर से रहेगी, पॉइजन का वो उन्होंने स्मोक का एक कवर बनाया और अब वो डैगर के पास जा जरूर रहे, और अगर ये रिवाइवल हो जाता है मेजी इट माइट बी पॉसिबल कि गॉड्स रेन लेकर के जा सकते हैं चिकन डिनर। बट वेव उन्हें समझना चाहिए था, चलिए ठीक है मान लिया कि आप सामने वाले को कम नहीं आंक रहे बट आपके 3 खिलाड़ी और सामने मात्र केवल 1 खिलाड़ी मौजूद है, आप रश कर सकते थे, आपके पास मौका था तो शायद इसलिए वो रश नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास सर्कल का अभी भी एडवांटेज रहेगा, फाइनल सर्कल मात्र केवल 24 सेकंड का समय है, देखना यह है मिडवेव या फिर गॉड्स रेन। गॉड्स रेन अभी तक उनको पहले चिकन डिनर की तलाश है, मिडवेव उनको जीत की तलाश है, ऋषि और 4 फ्रैग निकाल चुके, टोटल 7 फ्रैग रहेंगे मिडवेव के पास, ये विनर चिकन डिनर खैर उतना ओवरऑल स्टैंडिंग में कुछ चेंजेस मचाएगा नहीं बट इंडिविजुअल और टीम गेम में तो बहुत चेंजेस होने वाले हैं, डैगर का ग्रेनेड, ऋषि डाउन और
मिड वेव जिन्होंने रश किया नहीं था वो एक बड़ी गलती उनके लिए साबित होती हुई, और शायद ये चिकन डिनर जो उनके मुंह में था अब वो आएगा गॉडफ्रेन के पास। जोन वहां पर क्लोज इन हो जरूर से रहे, डैगर वो अपने आप को हील करने के लिए कह रही, शायद बहुत ज्यादा देर हो गई, मात्र एक खिलाड़ी अब बचते हैं, वो है हिटमैन। प्ले जोन का वहां पर शिकार बनेंगे डैगर, देखते हिटमैन वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हील बैटल करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पर रिवाइव दिया जा रहा है, जोकर की बात करें वो आगे जाएंगे और ये विनर विनर चिकन डिनर। मार्कस गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया, जी हाँ मात्र दो ही खिलाड़ी मौजूद है, बट क्रेवी मिथ और साथ ही साथ और भी खिलाड़ी आपको डाउन होते दिखा देंगे। जोकर उन्होंने थोड़ा शील्ड का इस्तेमाल किया है, मिड वेव थोड़ी परेशानी में आ सकती है, बट पांच टोटल फ्रैग्स मिड वेव ने निकाले। दूसरे साइड पे वॉइड उन्होंने गोराक्स को डाउन किया, यू फोर जी तीन फ्रैग्स के साथ इस मैच से बाहर। स्पोको पे एक बढ़िया ग्रेनेड, रेक्सी डाउन किए जाएंगे, गोराक्स दूसरे से समाप्त तो बड़ा सर्कल दे के मिनी मैप पे दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो सर्कल कहां, बट इतने खिलाड़ी 16 खिलाड़ी इस पूरे मैदान में। गॉड्स रेन साइफर क्या वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, शायद हाँ, एक बढ़िया ग्रेनेड स्मोक ओपी डाउन होते हुए, जी हाँ साइफर अकेले बचे, उनका एक खिलाड़ी डाउन है, बढ़िया स्प्रे आता है, जोकर डाउन किए गए, इंस्टेंट समाप्त भी कर दिए गए। ऋषि एक बार फिर से अकेला खिलाड़ी, कमान उनके कंधों पर, देखना ये उन्होंने पॉइजन गैस का इस्तेमाल भी किया है, बट शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, सर्कल का डैमेज पड़ेगा और अपने खिलाड़ी को बचा नहीं पाएंगे। बट क्या वो ड्राइव बाय के लिए जा रहे, अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर दिया गया। ऋषि 1v2 का सिचुएशन, क्लच उन्होंने पहले बहुत निकाले हैं, एक बार फिर से ऋषि वो क्लच करके दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। मिड वेव टोटल 8 फ्रैग्स, टॉप 3 में अपनी जगह पक्की। मैदान में कल हमने रॉनी को ही देखा था जहां हील बैटल करके अपनी टीम को बहुत ऊपर तक लेके आए थे, अकुमा भी समाप्त ही हो गए चीफ फाइटिंग के, खैर एलिमिनेशन, बट रिएक्शन डाउन किए गए फियर्स के द्वारा समाप्त भी कर दिए गए। 4 फ्रैग्स निकाले हैं फियर्स ने। टीम रेवेनेंट इस मुकाबले में भी शायद वही कल वाला कारनामा करके दिखाएंगे, आज और ज्यादा अंक उनके पास, बट फियर्स उन्होंने ऋत्विक को स्पॉट किया, डाउन समाप्त। 5 टोटल फ्रैग इस खिलाड़ी के पास, टोटल 12 टीम रेवेनेंट के खाते में। अभी उसी एंगल से फियर्स ने उन्हीं के टीम के एक खिलाड़ी को डाउन किया, फिनिश किया, पर लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर एरिया से एंगल जो है वो होल्ड करके बैठे हुए थे, वहीं पे डाउन किया गया। अभी के लिए एक दूसरी टीम की मुश्किलें, बैड डेविल्स की जो मुश्किलें वो जरूर से बढ़ाई जा रही है, रिवाइवल मिल जाएगा, बट पूरा का पूरा सर्कल टीम रेवेनेंट के चरणों में देखने को मिल रहा है। हाइट का इतना बेहतरीन एडवांटेज, अब सवाल मेरे ख्याल से ये नहीं है कि चिकन डिनर आएगा या नहीं आएगा, रोल करके वो ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर से किया, और जब भी आप रोल करके ग्रेनेड थ्रो करते हैं जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, हाइट का एडवांटेज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि टीम रेवेनेंट चिकन डिनर तो वो निकालने ही वाले हैं, मात्र एक एक खिलाड़ी बचे, और हैदराबाद हाइड्रास के मजीशियन वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। 2 फिनिशेस इस टीम के पास जरूर से रहने वाले हैं, और ये जो 10 अंक मिनिमम पोजिशन पॉइंट्स के लेके जाएंगे, एक बहुत बड़ी ये जो एक जीत है वो रहने वाली है हैदराबाद हाइड्रास के लिए, क्योंकि शायद ये अंक काफी रहेंगे, और अगर यहां पर पहले जी हाँ वो अब 12 अंक मिनिमम लेकर के जाने वाले। टीम रेवेनेंट चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए 15 फिनिशेस निकाले गए हैं, बट हैदराबाद हाइड्रास के मजीशियन वो मैजिक जो उनसे रिक्वायर्ड था वो करके जाते हुए। 14 अंक क्या उतने पर्याप्त होंगे, शॉट्स मिस करेंगे। चलिए फाइनली वो कनेक्शन बनाया, फिनिश निकाल सकते थे, बट MJ वो बचेंगे, बट एलियन के द्वारा वो समाप्त कर दिए गए। हम बात कर रहे थे मजीशियन की, बट क्या ये 14 अंक पर्याप्त होंगे हैदराबाद हाइड्रास के लिए, वो तो जब ओवरऑल स्टैंडिंग आएगी तब पता चलेगा, बट टीम रेवेनेंट ओवरऑल स्टैंडिंग आएगा तब हम बात करेंगे कि टीम जेनेसिस के अभी भी टॉप 16 के अंदर है या फिर समाप्त हो चुका है उनका पूरा सफर, बट एक और टीम जिनका सफर समाप्त हो चुका है वो रहेगी आरके स्पोर्ट्स, और मनीष लगभग खात्मे के बहुत करीब, यूएमपी उनके पास है, ट्रिगर कंट्रोल बहुत समय तक वो दिखा चुके हैं, और यहाँ से ये फाइट जीत पाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि आपने आमंत्रण दिया सामने वाले को कि आप आए और हमें समाप्त करें, बट क्लिपी ऐसा लग रहा था कि उन्हें पोजीशन पता है, बट स्टिल वो दूसरे दरवाजे से आए, मनीष ने स्पॉट किया, क्लिपी को समाप्त कर दिए गए। खैर क्लिपी का भी उतना बेहतर दिन रहा नहीं, कल पहली बार वो खेलने आए, आज वो वापस खेल रहे हैं, और दोनों ही मुकाबले में रिकॉर्ड रहा है, सबसे पहले डाउन हुए अपनी टीम से। सवाल बस इतना कि आखिर क्यों, जब आपके चारों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है उसके बाद आप अकेले क्यों ही पुश करने के लिए आएंगे, और मनीष के पास एक मौका है, 2 खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, गन स्विच किए, डीपी के ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया, एक और प्लेयर को डाउन कर सकते हैं, जी हाँ 3 खिलाड़ियों के वो ऑलरेडी डाउन कर सकते हैं। ये पहला 1v4 क्लच हम जरूर देख सकते हैं, 0 ग्रेविटी, आप कर क्या रहे हैं, किश्तों में एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं, और ये अकेला खिलाड़ी बिना किसी कवर फायर के
पूरी की पूरी टीम के ऊपर हावी होता हुआ।